मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को अति विशिष्ट उद्बोधन के लिए आदर सहित आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का स्वागत करें। मुखातिब हैं श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह जी, प्रभारी मंत्री गुड्डा जायसवाल जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी ओंकार मरकाम जी, हमारे कमलेश्वर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विधायक बिसाव लाल जी, मार्को जी, पट्टा जी, सुनील सराफ जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, और यहाँ हमारे साधु संत महात्मा बैठे हुए आचार्य महामंडलेश्वर जी, कंप्यूटर बाबा जी, सभी यहाँ साधु संत महात्मा गण। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं मां नर्मदा की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। बड़ी खुशी हुई आज यहां आकर। मेरा सौभाग्य है ये जो स्थान है, ये हमारे भारतीय विभिन्न संस्कृति का एक प्रतीक है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी संस्कृतियां हों। कोई ऐसा देश है? हम यहां से मालवा जाएं, निमाड़ जाएं, अलग रसम है, अलग त्योहार है। हमारे विंध्य में अलग त्योहार है, हमारे महाकौशल में अलग त्योहार है, हम दक्षिण भारत जाएं वहां अलग त्योहार है। और यही जो हमारी विभिन्नता है, ये अनेकता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और यही भारतीय संस्कृति जो भाईचारे की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की संस्कृति, सब समाज को जोड़ के रखने की संस्कृति, सब धर्मों को जोड़ के संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति समेटती है हर क्षेत्र की, हर इलाके की, हर प्रांत की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं। ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। और इतनी विभिन्नता होते हुए भी अपना भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, यही भारत की महानता है। और इसी को हमें सुरक्षित रखना है। हमारे भाईचारे की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की संस्कृति है। इसे हमें हमेशा सम्मान करना है, हमेशा इसको स्वीकार करना है। और यही संस्कृति हमारी शक्ति है, हमारी महानता है। जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है, पूरा विश्व भारत से ताज्जुब की ओर देखता है। मैंने तो पूरे विश्व में दौरा किया हुआ है, देखता है कि ऐसा देश, इतनी विभिन्नता, और इस विभिन्नता के बावजूद ये एक झंडे के नीचे है। यहां से हम दक्षिण जाएं, हमारी धोती पजामा भी लुंगी बन जाती है। ये हमारी विभिन्नता है, तो यही हमारी शक्ति है। और आज यह आकर मुझे बड़ी खुशी हुई इस उत्सव पर, क्योंकि ये भी हमारे संस्कृति का एक प्रतीक है। हमने नर्मदा अमरकंटक नर्मदा महोत्सव का फैसला किया, और यह मैं कहना चाहता हूं, ये तो पहली दफे हुआ है, इसमें कुछ कमी रह गई होगी। ये तो हमेशा महोत्सव मनाया जाएगा, और अगले साल जब होगा, जब अगले साल होगा, जो इस साल कमी है, जो इस साल पूर्ति नहीं हुई, मार्को जी सुन रहे हैं ना आप? मार्को जी को बहुत दिलचस्पी अपने क्षेत्र में। मैं सुन रहा था कि इन्होंने मात्र 300 कितने करोड़ रुपए की मांग रखी है, 308, मात्र 308 करोड़ रुपए की मांग रखी है। बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे यहां आना, पर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि
इतनी निष्ठा से जो अपनी क्षेत्र की सेवा करे, मैं आपको और मार्को जी को निराश नहीं होने दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी, 13 महीने पहले नई सरकार बनी। सच्चाई तो यह है तिजोरी खाली थी। इस 13 महीनों में 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में निकल गए, बाकी 10.5 महीनों में हमने प्रयास किया। हमने मध्य प्रदेश की जनता को अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी है, ये एक शुरुआत करी है कि हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएं, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की तो है, साथ साथ हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान जहां यहां बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से होए, आदिवासी क्षेत्र से होए, किसी जात का होए, किसी समाज का होए, आज का नौजवान की सोच में कितना अंतर है। सही बात है ना, नौजवान सोच में कितना अंतर है, बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान तो इंटरनेट समझता है, व्हाट्सएप समझता है, फेसबुक समझता है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या रोजगार का मौका चाहता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। पर मुझे दुख है इस बात का कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रोजगार कैसे बनेगा जब निवेश आएगा, योजनाएं आएंगी। 15 सालों में जितनी उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए, कहां से रोजगार आएगा। यही नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका अगर भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। इस पर हमने कदम उठाए हैं हर क्षेत्र में कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे कृषि क्षेत्र में हमने शुरुआत करी कि जिस किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है, हमने फसल ऋण योजना की शुरुआत करी। लगभग 31 दिसंबर तक लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और इस चरण में जो हमने शुरू करी है, बाकी किसानों का भी कर्जा माफ होगा। हमने कहा था जो किसान का 2 लाख तक का कर्जा है हम माफ करेंगे, हम वचनबद्ध हैं, हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, ये हमारा वचन था। और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमें अमरकंटक को एक पर्यटक स्थान बनाना है, मध्य प्रदेश में की एक नई पहचान बनानी है। मध्य प्रदेश की तुलना हम छोटे प्रदेशों से ना करें, हमारे मध्य प्रदेश का चेहरा बदलना है। मध्य प्रदेश का चेहरा बदलना है कि मध्य प्रदेश की तुलना हम महाराष्ट्र से करें, कर्नाटक से करें, छोटे छोटे प्रदेशों से मध्य प्रदेश की तुलना नहीं करें। और यह तभी संभव है जब एक नई सोच आए, व्यवस्था में परिवर्तन हुए। और यही हमारा प्रयास है कि एक मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। नई पहचान बनेगी तो एक नया उत्साह होगा, नई पहचान बनेगी निवेश आएगा, निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधि बनेगी। आर्थिक गतिविधि अगर एक उद्योग लगता है, साथ साथ कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ट्रैक्टर चला लेता है, कोई चाय या पान की दुकान खोल लेता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। यही हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश की नई पहचान से, मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था से हम मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाएं। और आपने हमें विश्वास से बल और शक्ति दी थी। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपका प्यार और विश्वास हमें ये बल और शक्ति देते रहे, और हम वचनबद्ध हैं
कि हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आभार स्वरूप मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार